नमस्कार, द रूस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी दुखद घटना यहाँ पर घटी है। इस जगह का नाम है मुगलिवाकम, जो कि चेन्नई का एक बहुत मुख्य एक रेजिडेंशियल इलाका माना जाता है। तकरीबन कुछ 2 या फिर 3 साल हो गए होंगे इस पूरे इलाके में जो भी सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, उनकी हालत बद से बदतर है। यहाँ पर किसी भी तरह की सड़कें नहीं हुई बनाई गई हैं। परसों रात की एक घटना है, तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, वो इसी रास्ते से जा रहा था, साइकिल उसके अच्छा उस दर से आ रहा था सॉरी उस तरफ से इधर की तरफ आ रहा था। तो जब वो आ रहा था, उसके हाथ में साइकिल थी। यहाँ पर बारिश का पानी रुका हुआ था, सड़क की हालत आप देख सकते हैं बहुत गंभीर है, ख़राब है। जब वो इस मोड़ तक पहुँचता है, कैमरों का उधर घुमाएं, जब वो इस मोड़ तक पहुँचता है, उसका पैर पानी के अंदर जाता है, बिजली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बच्चा लगभग आधे घंटे तक वो यहीं पर पड़ा रहता है, लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर कहीं पर भी जो स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्था भी नहीं है। हमारे साथ जाफ़र अली साहब हैं, जो कि यहीं के बाशिंदे हैं, आसपास रहते हैं। वो हमें और विस्तार से समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या। जाफ़र अली साहब नमस्कार। आप यहीं रहते हैं आसपास? एक्चुअली इधर बार रात के टाइम में लाइट नहीं है, ये यहाँ पर बिजली नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, टू व्हीलर में आया सो बच्चा, उन्हें बराबर 9:35-9:40 रहेगा। टू व्हीलर में एक्चुअली उन्हें बाइक में बाइक अक्सर डल ढकलो का आया सो बच्चा, उन्हें धक्का दिया सो आया सो चला लो का, तभी करंट शॉक नहीं मार कर रहेगा। ढकलो गाने में इधर आको बराबर यहाँ केबल था सो इधर आको केबल, ये जगह पे केबल था सो ठीक है। ये केबल आको अंदर ऊपर आ गया ऐसे। अच्छा, ऊपर आने में वो बच्चा डायरेक्टली आको इसमें धक्कल दे गया। अच्छा, धक्कल देने में ये पाँव में चप्पल था सो तुड़को, उसके चप्पल भी है, ये उसी की चप्पल है, ये चप्पल है, ये उसी की चप्पल, उसकी चप्पल है। अच्छा, एक चप्पल चलेगा वो गाड़ी में लेके चले गए, एक चप्पल में मारिया ना वो टाइम पे स्पॉट आउट, वो टाइम पे मर गया। देखिए, सोच के देखिए, एक बच्चा जो कि अपनी टू व्हीलर को यहाँ से धकेलता हुआ आता है, आगे जाने के लिए अपने घर पहुँचना चाहता है, ये उसकी चप्पल है। आप सोच के देखिए उस माता पिता की दशा अभी क्या होगी। वो मात्र 9वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, तमाम लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ जगह जगह इसी तरह की खुली तारें मिल रही हैं। एक और मैडम ने हमें बताया कि वो उनका घर है, उनके घर के ठीक बाहर इसी तरह से एक और तार निकली हुई है, और वहाँ पर भी जब इनकी कंप्लेंट हुई, उस कंप्लेंट के बाद जाके यहाँ के कुछ अधिकारियों ने इसको ढका। अच्छा जाफ़र साहब, एक और बात बताइए, हमने ये सुना कि आप लोगों ने सड़क भी रोकी थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ गए थे। 230 जने आराम से आ गए हैं यहाँ से मेन रोड को, बच्चे को उठा लेकर चले गए। अच्छा, बच्चे के शरीर को सड़क पर रख के आप आंदोलन कर को 1 आवर हो गया उधर एक हाफ एन आवर के बाद बड़े ऑफिसर आपको उधर बार क्या करना है कि हमें क्या कंप्लेंट उठाते कि उठाते हैं बोलने के बाद ओके कर को वो सड़क को हमें एम्बुलेंस में भेजे। अच्छा, हमने ये चीज़ भी सुनी, यहाँ पे 3 से ज़्यादा घंटे लगे थे अफसरों को यहाँ पर आके ये तमाम चीज़ों को, दो घंटे हो गया वो आको ये पुलिस करने बोले तो उधर बोलो, उधर बोले तो रामापुरम में बोलो, रामापुरम बोले तो गिंडी में बोलो, एक एक जने के चेंज हो गया। सो हाँ आको 11:30 हो गया पुलिस आने, उसके बाद हमें ये लास्ट टाइम पे वो सड़क में डालने के आइडिया करे सो, उसके बाद बड़े आदमी आ गए।
ये देखिए नौबत कितनी बच्चे बदतर है यहाँ की कि 9:30 बजे के आसपास वो बच्चे की यहाँ पे मृत्यु होती है, 11:30 बजे तक ये लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहे सिर्फ इख्तला देने के लिए कि यहाँ पे इस तरह से इंसिडेंट हुआ है, इस बच्चे की लाश यहाँ पे पड़ी है, बिजली काटनी है, पुलिस वाले इस थाने से उस थाने तक बस इनको भगाते रहे। यानी 3 से ज़्यादा थानों के लोगों ने चक्कर काटे हैं, 2 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस आती है, तब जाके विभाग सतर्क होता है और यहाँ की बिजली काट कर उस बच्चे को उठाया जाता है, तब भी आला अधिकारी नहीं आते हैं, उसके बाद इनको इस शरीर को सड़क पर रखकर आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर आला अधिकारी आते हैं, वो आके इनको प्रॉमिस करते हैं कि इस सड़क की जो दशा है वो जल्द से जल्द सुधारी जाएगी। आज 3रा दिन है बच्चे की मृत्यु के बाद, आज 3रे दिन भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, वो जगह तस की मस है, वहाँ पे उस बच्चे की आखिरी चप्पल वहाँ पे है, तार वहाँ पर खुली दिख रही है, एक और जगह वहाँ पर जिन लोगों ने उस तार को बंद किया है, उसके बाद अभी हमने साफ तौर पर ये देखा तकरीबन 4 फीट के आसपास एक और तार आगे खुली हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जगह कैसी है। पहले हाँ। ये आपको कल ले मुझे इधर ये जगह में ताशो, उसके बाद वो मुझ डाले हाँ। ये बंद कर डाले, नेक्स्ट आपको वो दो देवल है, एक है कोबिल है। 2 दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ है, ये एक बिजली की तार है, यहाँ पर सड़क पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, खुली तार है, कभी भी पंक्चर ये हो सकता है। ये यहाँ देखिए आप, ये वो जगह है जहाँ पर ठीक 2 दिन पहले एक 14 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। ये देखिए तमाम तारें खुली हुई हैं, ये सड़क है, ये सड़क है, ये तमाम तारें जो हैं आपकी बिजली की तारें हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बुज़ुर्ग हैं, कितने सारे लोग हैं जो यहाँ से रोज़ हर 5 मिनट 2 मिनट में कोई ना कोई गुजरता रहता है। एक और तार मैंने वहाँ पर देखी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो तार आ रही है बिजली की तार, आप देखते चलिए, ये एक तार खुली हुई है, ये इलाका है देखिए। उसके बाद ये साहब तार है, ये 3 रास्ते आप देख पा रहे हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, और ये सड़क जा रही है, ये इससे मुश्किल से कुछ 20 मीटर की दूरी पे उस बच्चे की लाश देखी गई थी, और ये एक और तार आप देख सकते हैं साफ तौर पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये सारी वो तमाम खुली तारें हैं जो यहाँ के लोग महसूस करें। अया इतना वर्ष में ये करेंगे இந்த மாதிரி ஓபன் வயர்ஸ் இருக்கு அங்க 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 நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க? அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்பப்போ வர்றவங்ககிட்டயே அவங்ககிட்டயே சத்தம் போட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம், வர்றவங்ககிட்டயே இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு சத்தம் போட்டு தான் இருக்கான், சரி பண்ணிடுவேன் போயிடுறாங்க அவ்வளோதான். எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கிறது கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த மழைகளை பெஞ்சிச்சுன்னா இதுவும் பஞ்சர் ஆகி கரண்ட் இறங்குறதுக்கு சான்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, இங்கே இரும்பு மேலே தெரியுது இந்த இடத்துல. देखिए जैसे जैसे आप इस शहर के अंदर इस जगह के अंदर घुसते हैं आपको जगह जगह खुली तारे नज़र आती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक और बहुत डेंजरस तार है, ये देखिए एकदम खुली पड़ी तार है, बारिश का मौसम है और कभी भी यहाँ पर बिजली लग सकती है और कई मौतें यहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा है। सो इनका भी ये कहना है, इन्होंने कई सारी कंप्लेंट्स करी हैं, कई सारे लोगों को अफसरों को बताया है इस बारे में कि यहाँ की जो दशा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, हज़ारों यहाँ पे घर हैं, लाखों यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं पता कि कब किसको बिजली का झटका लग जाए। यहाँ की जो सरकार है, जो AIADMK की सरकार है, एडप्पाडी पल्ली स्वामी जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फ़ौरन अपने आदमियों को तलब करना चाहिए, यहाँ पर भेजना चाहिए, ये जो सड़कें हैं यहाँ के जो भी MP MLA हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए, इस पूरी सड़क को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसिडेंट जो हो चुका है, इसके बाद दोबारा से एक और इंसिडेंट ना हो, जो कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मौत है वो किसी ना किसी का इंतज़ार कर रही है। आगाह करते हैं यहाँ की सरकार और यहाँ के लोगों को, जो भी आसपास अगर आप देखें जहाँ पर पानी है और जहाँ जहाँ पर इस तरह की खुली तारे हैं वहाँ पर ज़रा सावधानी बरतें, जब बारिश हो तब यहाँ इन जैसी सड़कों का इस्तेमाल ना करें, यही बेहतर है जब तक ये सड़क ठीक नहीं होती है, और आला अधिकारी तुरंत यहाँ आएँ, देखें यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी खतरनाक खतरे की हालत में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखा रहा है जो सीधे आपकी जोड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।